हाय, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे वतन में, हिंदुस्तान के अंदर और पूरे दुनिया में महामारी यानी कि कोरोना का जो महामारी बीमारी चल रही है, उस हिसाब से मैं गुजारिश करता हूं कि सभी अपने घरों में रहें और जो हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसके ऊपर अमल करें। और साथ ही साथ मैं तभी मर्क सभी जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हुए मेरे मुसलमान भाई जो हैं, इधर उधर जहां कहीं भी हों, अगर कहीं भी बैठे हुए हैं तो बराए मेहरबानी वो जाकर सरकारी दवाखाने के अंदर अपना चेकअप करवा लें। इंशाअल्लाह ताला जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब है तो जो एक दूसरे की हिफाजत यहाँ पर एहतियात बरतें। इसलिए मेरे सबसे गुजारिश है कि सभी हजरात जो निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हैं दिल्ली से, जमात वाले भाई, आपसे मैं खुसूसी गुजारिश करता हूं कि वो जाकर रहे तो सरकारी दवाखाने के अंदर अपना चेकअप करवा लें। और प्लीज़ सबसे मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घरों के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और मेरे मुसलमान भाई नमाज़ की एहतियात करते करें और घर में कुरान मजीद की तिलावत करते रहें और दुआ करते रहें अल्लाह से कि अल्लाह हमें इस बीमारी से और पूरी दुनिया और हमारे हिंदुस्तान को इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।